हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ये वीडियो में कल का दिन में हम लोग क्या काम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकर। मेरे को बहुत सारा व्यूअर्स का भी आज SMS आया था, सर आप निफ्टी का लेवल बताइए, लेवल बताएंगे। सिर्फ आज मेरे को टाइम ही नहीं था, आज मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं सोच रहा था, फिर भी मैं लोग का रिक्वेस्ट को लेकर मैं बोला नहीं, एक छोटा वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरा एजुकेशनल प्रोफेट चैनल है। इसमें अगर आपको कुछ भी व्यू लेके काम करना है मेरा, तो एक बार आपका खुद का एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको नहीं तो आपका कोई ये फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेंगे तो उनका एक बार सलाह मशवरा करके कुछ भी स्टेप लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का आज जो क्लोजिंग आया है 11,588, हम लोग 73 पॉइंट आज लॉस किए हैं निफ्टी में, और ओपनिंग हुआ था 11,657, हाई मारे हैं हम लोग 11,714, लो मारे हैं 11,573। तो निफ्टी में हम लोग आज बहुत बड़ा फॉल देखे, तो ये फॉल क्या कल कंटिन्यू रहेगा? मैं तो बोलूँगा कल शायद कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि कब तक कंटिन्यू नहीं रहेगा, 24th को अपना महाराष्ट्र एंड हरियाणा का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तब तक निफ्टी यही वो रेंज में ही रहेगा। कल मेरे को लगता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, और आज जितना पॉइंट हम लोग आज लॉस किए उतना पॉइंट हमको मॉर्निंग आवर में ही दे देगा 12 बजे का अंदर, उसके बाद फिर भी फॉल आ सकता है। तो अभी मौका है निफ्टी में हम लोग इंट्राडे का काम करने का, अच्छा पॉइंट मिल सकता है हमको। तो हम लोग कल के लिए कैसा काम करेंगे? हम लोग बाइंग करेंगे निफ्टी को कभी ना, जब भी 11,600 क्रॉस करता है निफ्टी तो हम लोग बाइंग में बैठना चाहिए। हमारा टारगेट रहेगा 11,630 का, सेकंड टारगेट रहेगा 11,660 का, थर्ड टारगेट रहेगा 11,685 का, जो कि हम लोग पिछले दिन में गवा के आए थे 85 लेवल को। तो ये 85 लेवल अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो मेरे को 725 लेवल दिखता है निफ्टी के लिए कल के लिए। तो ये हो गया बाइंग साइड का। सेलिंग साइड, हम सेलिंग कब करेंगे ना, निफ्टी को हम सेलिंग करेंगे 11,545 के आसपास आएंगे तो हम सेलिंग चालू करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 11,525 और 11,495 तक हम लोग का टारगेट लेके सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं निफ्टी में। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। और हम लोग बैंक निफ्टी के लिए कैसे काम करेंगे ना, बैंक निफ्टी के लिए हम लोग कल के लिए एक बार हम लोग देख ही लेते हैं बैंक निफ्टी का आज क्लोजिंग क्या है ना। बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया है 29,411, और देखेंगे तो आज पॉइंट हम लोग को मिला 290 पॉइंट का, हम लोग गेन के साथ क्लोजिंग दिए। ओपनिंग है 29,416 और 29 हाई मारे 29,690, लो मारे 29,231। कल में जो निफ्टी का बाइंग लेवल सेलिंग लेवल दिया था उसमें हम लोग सब में हम लोग आज टारगेट लेके बैठे हैं। सेलिंग लेवल पे तो नहीं गए हम लोग इतना, बाइंग लेवल का पूरा टारगेट हमको मिला है। तो कल के लिए एक बिग सपोर्ट, कल के लिए तो नहीं है, ये वीक का बिग सपोर्ट है 28,300। ये ब्रेक अगर हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी में तो हम लोग को फॉल दिखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म का फॉल। मेरे को लगता है 24 तक कुछ भी फॉल नहीं आना चाहिए, तो 24 के बाद कुछ हो सकता है, तो 24 तक हम लोग रहेंगे अपसाइड में। तो बाइंग कभी करेंगे बैंक निफ्टी में, हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे 29,680 का आप बोल सकते हो, 29,580 का ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट रहेगा 29,600, सेकेंड टारगेट 29,680, थर्ड टारगेट रहेगा 29,760 का। तो सेल कभी करेंगे हम लोग ना, सेल करेंगे 29,230 का नीचे, अगर हम लोग कल का जो लो है उसका नीचे अगर हम लोग आ रहे तो हम लोग सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 29,280,
उसके बाद 29,200, उसके बाद 29,120 ये रहेगा अपना सेलिंग टारगेट। और एक बार बोल देता हूँ, 29,280 फर्स्ट टारगेट, 29,200 सेकेंड टारगेट, 29,120 थर्ड टारगेट, ये रहेगा अपना बैंक निफ्टी का कॉल बाइंग और सेलिंग लेवल। आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपका फ्रेंड लोग को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि शेयर कीजिए, और मेरे को लाइक और कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।